एक्ट में बदलाव को लेकर कमर्शियल वाहन संगठन 3 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन देर रात दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स की सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद देश के लगभग सभी वाहन संगठन प्रदर्शन से बाहर हो गए थे। लेकिन जयपुर में कुछ कमर्शियल वाहन संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि कल 18 ऐसे संगठनों का दावा किया जा रहा था, लेकिन आज 14 संगठन ही प्रदर्शन में शामिल बताए गए हैं। ये पूरा मामला आखिर कहां अटका है, जानने के लिए कमर्शियल वाहन संगठनों के नेताओं से हमारे संवाददाता आसिफ खान ने बातचीत की है। हिट एंड रन एक्ट मामले में लगातार प्रदर्शन जारी है। हालांकि कल देर रात दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद कुछ संगठनों ने प्रदर्शन और हड़ताल को वापस ले लिया था, लेकिन अभी भी राजस्थान में 14 संगठन जो है वो लगातार जो है वो बने हुए हैं। इनका कहना है कि हम प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। कुछ ड्राइवर्स के संगठन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह, ये बताओ आपका संगठन अभी भी जो है वो स्ट्राइक में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी ये देश की लोकसभा से जो पारित हुआ है ये कानून, उस कानून के अगर कानून पास करते तो हम यहाँ से जो सांसद चुन के भेजते हैं उनको इस चीज का मुद्दा उठाना चाहिए पहले। बट ऐसी नौबत आती है कि वहाँ पे हमारे ना कोई हमारे यहाँ सांसद भेजा जाता है, वो कोई इस चीज का मुद्दा नहीं उठाते। एक कानून वो एक 5 लोग इकट्ठे होकर बना, हाँ कानून पर्वत सिंह। क्या आप क्यों कर रहे हो सर? आपसे घर वाली बात बता, जो आदमी 10,000 महीना कमा रहा है बुरा मत मान, भाई साहब उसके 2 साल बाद कुछ 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, 10 साल जेल में रहेगा वो। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह गंगारोत है और मैं जयपुर, मैं ट्रैक में ड्राइवर हूँ, एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी मांग ये कि जो भी काला कानून लिया है इसको वापस किया जाए, ये हमारे ड्राइवरों के हित में नहीं है। और रन एंड रेट को ये तमाम अलग अलग संगठन के ड्राइवर से, कोई टैक्सी एसोसिएशन से, कोई मिनी बस एसोसिएशन से है, अलग अलग तरह के ड्राइवर्स यहाँ पर खड़े और इनका साफ तौर पर कहना है कि कंफ्यूजन की जगह ये साफ किया जाए कि कानून को वापस ले लिया गया है। क्योंकि एक ड्राइवर जो 10 से 15 हजार रूपये की तनख्वाह पाता है वो इतना बड़ा जुर्माना कहाँ से चुकाएगा? कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, News 18 जयपुर। तो वही पाली में हिट एंड रन कानून को लेकर के चल रही विभिन्न वाहन चालक यूनियन की हड़ताल अब खत्म हो गई है। पाली जिला मुख्यालय पर विभिन्न यूनियन से पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इसके बाद प्रादेशिक परिवहन निगम के अधिकारियों ने सभी चालकों को कानून को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर केंद्र की सरकार की ओर से विचार विमर्श किया जाएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन यूनियन से इस मामले में विचार विमर्श करने के बाद ही इसे पास किया जाएगा। तो हिट एंड रन कानून में हुए बदलावों के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी स्थितियां बन गई थी, जिसके चलते अजमेर में बस और टैक्सी यूनियन की ओर से 3 जनवरी को यातायात बंद रखने का आह्वान किया गया था। वहीं सरकार के नए हिट एंड रन कानून के अभी रोक लगाने के बाद सभी स्थानों पर बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद यह फैसला किया। इस दौरान शहर में यातायात के हालातों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों की हड़ताल को लेकर के तीसरे दिन जिला कलेक्टर ने बैठक ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में बस और ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी और चालक शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर SP ने नए कानून के प्रावधानों से चालकों को परिचित करवाया है। आपको बता दें कि कानूनों को आम जन का हितेशी बताते हुए संगठन से हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है। बस यूनियन और ट्रक यूनियन अध्यक्षों ने हड़ताल खत्म करने पर भी सहमति प्रकट की है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकार ने अभी नए कानून को होल्ड पर रखा हुआ है। तो करौली में भी आपसी समन्वय बनाने, बातचीत और नए कानून को समझाने की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया। जिला कलेक्टर ने ड्राइवर्स के साथ बैठक की है और इस कानून को लेकर चर्चा की है। भारतीय न्याय संहिता जो अभी नया ही पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके जो कुछ प्रावधानों को लेकर जो इश्यूज आ रहे थे उसको लेकर ही आज हमने करौली जिले के जो बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन और साथ ही साथ हमारे जो ऑयल कंपनीज के अधिकारी हैं और जो दूध के सप्लायर्स हैं उनके साथ बैठक करी थी। और मेन इशू जो डिस्कस हुआ वो यही था कि जो सेक्शन 102 सब-क्लॉज 2 को लेकर जो एप्रिहेंशन है उसको क्लियर किया गया और साथ ही साथ हमने अपील करी है एसोसिएशन से
कि वो काम पर लौट जाएं। हमें बुलाया गया था, जिला प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हुई है और इस वार्ता में जो रात का डेवलपमेंट बताया गया है वो हमारी जानकारी में है। हम लोग भी अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से और चालक परिचालकों से सभी से सलाह मशवरा करके इस ऑपरेशन को चालू करने की प्रयास करेंगे और प्रयासरत भी हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो जाए।